नो लेट्स सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड दैट इज टेन मिनट्स के साइकिल टाइम और सिक्स वर्क स्टेशन के हिसाब से एफिशेंसी क्या होगी कि अगर सिक्स वर्क स्टेशन हो इंस्टेड ऑफ फाइव फाइव वर्क स्टेशन हों तो वो एफिशेंसी विल भी हंड्रेड परसेंट ठीक है एग्जैक्टली exactly आ जाती है लेकिन अगर सिक्स वर्क स्टेशन बन जाते हैं तो उस हिसाब से हमारी एफिशेंसी क्या होगी वॉट इज़ द टोटल आइडल टाइम पर साइकिल विद अ टेन मिनट साइकिल टाइम तो टोटल आइडल टाइम कितना बन रहा है ठीक है छ वर्क स्टेशन के साथ देन वी हैव के वॉट इज द बेस्ट वर्क स्टेशन असाइनमेंट किस तरह हम डिफरेंट uh, टास्क को असाइन करें सो देट वी डू नॉट एक्सीड टेन मिनट्स की जो लिमिट है साइकिल टाइम की वो एक्सीड ना करें टेन मिनट रहे या इससे कम रहे इससे बढ़े ना और हमने largest number of followers go, uh, rule go, use karna for assigning different tasks to uh, work centers. a 10-minute cycle time or six work station efficiency gap. efficiency is basically your total task time, which is 50 minutes, divided by number of workstations which is six, and the cycle time, which is 10. so uh, it's basis ke upar it is like 50 divided by विच विल गिव यू you ऑफ एटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट सो इधर एफिशंसी अच्छी खासी गिर गई है क्योंकि पाँच की जगह छह वर्क स्टेशन आ गए एक्जैक्टली नेक्स्ट इज व्हाट इज द टोटल आइडल टाइम पर साइकिल टोटल आइडल टाइम पर साइकिल जो है वो बेसिकली हमने इसको इस तरह देखना है कि हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ वर्क स्टेशन मल्टीप्लाई बाय साइकिल टाइम टोटल कितना यूज हो रहा minutes, है माइनस टोटल टास्क टाइम तो टोटल टास्क टाइम इज 50 मिनट्स जबकि जो एक्चुअल नंबर ऑफ वर्क स्टेशन हैं वो लार्जेस्ट असाइन टाइम इज 10 तो 60 माइनस फिफ्टी विल गिव यू 10 मिनट्स एज द आइडल टाइम इन ऑन दिस होल असम्बली लाइन नेक्स्ट वी वॉन्ट टू असाइन टास्क टू डिफरेंट वर्क स्टेशन और उसके लिए हमने लार्जेस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स का रूल यूज़ करना है और फिर इस जो असाइन किया है इसकी हमने एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है दिस इज़ द प्रेसडेंस जो हमने डायग्राम डेवलप किया था इस हिसाब से अब हमने देखना है कि कौन सा असाइन करें कि वर्क स्टेशन का टाइम जो है वो दस मिनट से ऊपर ना जा सके दस मिनट से कम रहे अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास क्योंकि हम लार्जेस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स को देख रहे हैं तो ए के फॉलोअर्स आर डी सी एच एफ आई जे एन के विच इज सेवन बी के हैं सो फर्स्ट वी विल असाइन ए इन वर्क सेंटर वर्क स्टेशन नंबर वन और उसके बाद फिर हम देखते हैं तो हमारे पास जो अवेलेबल है वो सी भी अवेलेबल हो जाता है सी भी असाइन हो सकता है और बी भी हो सकता है लेकिन अगेन लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स सी के सिर्फ तीन हैं जबकि बी के, के छः हैं तो इसलिए बी को फिर हम असाइन करेंगे और पहले वर्क स्टेशन के अंदर हमारा ए और बी ये दो असाइन होंगे और टोटल टाइम जो इस वर्क स्टेशन का है वो नाइन मिनट्स हैं नेक्स्ट हमारे पास क्योंकि ये दोनों असाइन हो गए हैं तो हमारे पास ई डी एंड सी ये तीनों अवेलेबल हैं डी के फॉलोअर्स तीन है सी के फॉलोअर्स भी तीन है जबकि ई e के फॉलोअर सिर्फ दो हैं तो इसके अंदर टाई जो है वो ब्रेक हो रही है अगर हम सी को असाइन करें लेकिन जब सी को हम असाइन करते हैं तो हमारे पास सेवन मिनट्स का इसका टाइम बनता है वर्क स्टेशन का तो इसके पास तीन मिनट्स और अवेलेबल हैं नेक्स्ट हमारे पास डी और ई e हैं। डी हम असाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो ट्वेल्व मिनट्स हो जाएंगे तो टेन से ऊपर चला जाएगा तो हम ई e को असाइन करेंगे जिसके टू मिनट्स हैं तो वर्क स्टेशन नंबर टू के अंदर सी एंड ई ये दो असाइन होंगे और अगेन नाइन मिनट्स का इस वर्क स्टेशन का टाइम होगा नाउ वी हैव डी अवेलेबल जिसके फॉलोअर थ्रीन हैं एफ के फॉलोअर टू हैं एंड जे इज ऑल्सो अवेलेबल क्योंकि ई e असाइन हो चुका है उसका फॉलोअर एक है सो वी विल असाइन डी फर्स्ट सो डी को हम असाइन करते हैं जब इसको असाइन कर लिया तो हमारे पास एच भी आ जाएगा अवेलेबल हो जाएगा क्योंकि ई e और डी और ई e दोनों असाइन हो चुके होंगे तो ई e, एच भी अवेलेबल होगा लेकिन एच को हम असाइन करें तो ट्वेल्व मिनट्स बनते हैं जबकि एफ को करें तो नाइन मिनट्स बनेंगे सो इन दिस केस वी विल असाइन डी के साथ वी विल असाइन एफ

सिर्फ ये रह जाता है और ये हम असाइन करेंगे विच शुड बी एट मिनट्स का वर्क स्टेशन नंबर फोर अब आता है जे और जी के दरम्यान कंपटीशन है दोनों का सेम नंबर ऑफ फॉलोअर्स है सो वी विल ब्रेक टाई विद द लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम सो वी विल असाइन जे इसके साथ हम कुछ और असाइन नहीं कर सकते ऑल दो के मेक्स इट टेन बट के को असाइन नहीं कर सकते ड्यू टू प्रेसिडेंट्स रिलेशनशिप जब तक जी कंप्लीट नहीं होगा कि ऑपरेट वो नहीं हो सकता सो वॉट वी विल डू इज वी विल वर्क स्टेशन फाइव में सिर्फ जे होगा और वो छः मिनट का होगा जबकि लास्ट टू जो हैं वो वर्क स्टेशन नंबर सिक्स में असाइन हो जाएंगे सो दिस इज द असाइनमेंट ऑफ डिफरेंट टास्क टू डिफरेंट वर्क स्टेशन और इसकी अगर हम एफिशेंसी अगर कैलकुलेट करें तो टोटल टास्क इज फिफ्टी मिनट्स नंबर ऑफ वर्क स्टेशन आर सिक्स बट हेयर द साइकिल टाइम हैज़ चेंज फ्राम टेन मिनट्स टू नाइन मिनट्स क्योंकि मैक्मम टाइम इधर अगर आप देखें तो नाइन मिनट्स आ रहा है वर्क स्टेशन वन का है वर्क स्टेशन टू का है थ्री का है एंड वर्क स्टेशन सिक्स का है इन सब के टाइम नाइन मिनट्स हैं तो साइकिल टाइम मैक्मम टाइम जो है वो नाइन मिनट है उसके बेसिस पर अगर हम कैलकुलेट करें तो इसकी एफिशेंसी